किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ब्रेकफास्ट रेसिपी, डोसा रेसिपी। ये डोसे बहुत ही आसानी से, और इसे ना ही ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत है और ना ही पीसने की। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एक मिक्सर जार लेना है, जिसमें हमें ऐड करनी है सूजी। यहाँ जो बारीक वाली सूजी आती है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये लिए हमने 1 कप, या आप इसे कटोरी से भी नाप सकते हो। उसके बाद हमें इसमें चाहिए 1 कप पोहा, जो रेगुलर कांदा पोहा के लिए हम पोहा लेते हैं वो इसमें आप डाल सकते हो। तो 1 कप पोहा हमने लिया है, और हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका हमें पाउडर बनाना है। तो इस तरह हमने इसकी पाउडर कर ली है, आप देख सकते हो। इसकी फाइन हमें पाउडर कर लेनी है। अब हमें लेना है 1 बाउल, और जिसमें हमें पाउडर डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 कप दही। ये रेगुलर वाला दही है, वो हम यूज करेंगे। और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसका एक पतला घोल बनाएंगे। पतला मीन्स जैसे हम डोसा के लिए हमें घोल चाहिए होता है, उसी तरह का घोल हम इसे बनाएंगे। इसमें हमें लम्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन सॉफ्ट इसका घोल बनना चाहिए। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक घोल बनाएंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह की चाहिए। अगर आपके इसमें लम्स काफी है तो आप इसे एक बार मिक्सर से चला सकते हो। तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए। उसके बाद इसे हमें ढक देना है, और 15 से 20 मिनट इसे इसी तरह रेस्ट होने देना है। इसे रखे हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसी के साथ हमें इसमें डालना है इनो। यहाँ हम रेगुलर वाला इनो यूज कर रहे हैं, विदाउट फ्लेवर का। तो 1 टीस्पून के करीब हमें इसमें इनो डालना है, और थोड़ा सा उसमें हम डालेंगे पानी, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसे अभी फटाफट हम मिक्स कर लेते हैं और डोसे बनाते हैं। यहाँ मैंने गैस पे डोसा तवा रख दिया है, तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम डायरेक्टली डालेंगे इस तरह। इसे हमें स्प्रेड नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह डाल के इसे हमें छोड़ देना है। गैस की फ्लेम हमें लो से मीडियम रखनी है, ताकि डोसे में हमारे अच्छे से जाली आए। तो इसी तरह हमें इसमें कुक होने देना है। आप देख सकते हो हल्की हल्की साइड से जाली आने लग गई है। इसी तरह जब पूरी जाली आ जाए और ऊपर से डोसा हमारे अच्छे से पक जाए, तब तक हमें फ्लेम लो रखनी है और इसे कुक होने देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं उसमें काफी सारी जाली आ चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो और 2 से 3 मिनट हम रखेंगे, ताकि बीच का जो पोर्शन बचा है उसमें भी अच्छे से जाली बन जाए, फिर हम इसे निकालेंगे। तो अब ये पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसे इस तरह साइड से पहले ये करके फिर निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारे बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार डोसे बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह की नई नई और आसान रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।